आज हम शुरू करने वाले हैं करेला का एक फ्राई का रेसिपी। करेला फ्राई ये आपको रोटी पराठा या राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा, और ये चटपटा एक रेसिपी है जो आपको उंगली चाट के खाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पूरा रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, मान्ना कुक हाउस में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में 1.5 चम्मच पॉपी सीड यानी पोस्ता को दे दिया, और पोस्ता को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम में ये फ्राई करना है, हाई फ्लेम में मत कीजिए तो टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले हम फ्राई कर लेते हैं। फिफ्टी परसेंट तक इसको ना पेस्ट करना है, इसको पूरा पेस्ट मत कीजिए, इसको 50% तक पेस्ट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं पहले। ऑयल जब गर्म हो जाए उसके ऊपर हम लोग जो ये करेला 2 पीस स्लाइस करके कटा हुआ था उसको दे दिया, और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे पहले। पहले नमक और हल्दी मत दीजिए, थोड़ा पहले फ्राई कर लीजिए, उसके बाद नमक और हल्दी हम देंगे। देखिए थोड़ा फ्राई हो गया, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम 1 पीस आलू को छोटा छोटा करके काट के रखे थे उसको दे दिए, उसको ये करेला के साथ एक साथ में ही फ्राई करेंगे। इसमें क्या होगा ना, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। अब इसमें हम दे रहे हैं एक मीडियम साइज का ऑनियन, उसको चॉपिंग करके रखे थे उसको हम डाल दिए। ऑनियन करेला और आलू तीनों को एक ही साथ फ्राई करना है। देखिए कलर कितना चेंज हो गया है और कितना नरम भी हो गया है सब्जी। अब इसको हम ढक के 5 मिनट तक कुक करेंगे। लौट आया 5 मिनट के बाद, देखिए कितना सुंदर फ्राई हो गया है, एकदम कलर बहुत बढ़िया भी आ गया है। अब इसको हम दे रहे हैं गार्लिक चॉपटेड, 4-5 पीस गार्लिक चॉपटेड, और दिया एक टोमेटो चॉपटेड, एक टमाटर चॉपटेड और गार्लिक चॉपटेड दे के अब सबको एक ही साथ फ्राई करना है। देखिए कितना सुंदर फ्राई हो गया है। ठीक है, कलर भी कितना चेंज हो गया है, टमाटर भी नरम हो गया है। अब इसमें दे रहा है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक आपका हिसाब से दीजिएगा, चिली फ्लेक्स दिया 1 चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा मत खाइएगा तो थोड़ा इसको हल्का दीजिएगा। आप सारे मसालों को एक ही साथ फ्राई करना है। देखिए कितना बढ़िया हो गया है कलर, और कितना सुंदर स्मेल भी आ रहा है, बहुत अच्छा पक भी गया है, अच्छा तरह पे कुक भी हो गया ये। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम में ही देना है, फ्राई करना है, क्योंकि ये सूखा मसाला ना। अच्छा, अभी इसको 2 मिनट हम ढक के लो फ्लेम में कुक करेंगे। लौट आया 2 मिनट बाद, देखिए तो कितना अच्छा कुक हो गया है। हमने इसमें 1 कप भी पानी नहीं यूज़ किया है, इसको थोड़ा फ्राई करके ही कुक करना है। अब इसको जो पॉपी सीड हम फ्राई करके रखे थे उसको दे दिया, हमारा काम पूरा कंप्लीट हो ही गया। पोस्ता देने के बाद पूरा मिक्स कर लेंगे, ऑलमोस्ट ये रेसिपी तैयार हो गया है। इसको हम टोटली फ्राई करके ही कुक किया, कोई पानी नहीं यूज़ किया। ठीक है, अब इसको 2 मिनट स्टैंडिंग टाइम में रख के इसको सर्व कर लेंगे। बहुत अच्छा तरह बन के तैयार हो गया ये, दाल सब्जी के साथ भी आप खा सकते हैं या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो रेसिपी को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों का साथ रहिएगा नेक्स्ट रेसिपी का अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।